गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी दिवाली। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहा के। मैंने आज हेयर वॉश भी किया हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और आज है मंडे यानी कि दिवाली वाला दिन। तो पहले तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम करना है मुझे टेंपल में। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और है आज है दिवाली, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हैप्पी दिवाली आप सभी को। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर साफ करने, मतलब कि डेकोरेशन तो सारी रात में ही होगी लेकिन अभी मंदिर के जो भगवान जी साफ करने हैं और पूरा मंदिर क्लीन करना है वो मैं अभी कर दे रही हूँ। डेकोरेशन शाम की होगी, जो लाइट वगैरह लगानी है वो सारा शाम को काम होगा। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर साफ करना था आज मुझे, वैसे तो मौसी करती हैं लेकिन मौसी को करना नहीं था तो मैं कर ही दे रही हूँ। और यहाँ पर ये पूरे भगवान जी निकालना है और इनको साफ़ करना है, धुला हुआ कपड़ा बिछाना है, पूरा मंदिर ऊपर से मुझे साफ़ करना है तो मैं फटाफट से कर ही ले रही हूँ। और जो तस्वीरें वगैरह हैं उनको मैं अभी पानी से और कपड़े से साफ़ करके रख दूँगी। और ये जो यहाँ कपड़ा बिछा था वो भी मैंने चेंज कर दिया, मौसी बोल रही थी धुला हुआ नीचे रखा है वो बिछा देना, तो ये वाला काम भी मैं की ले रही हूँ। और मैंने यहाँ पर धुला वाला कपड़ा बिछा दिया है। और आज ना बाल धुले हैं तो बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बाल खुला है। वैसे मैं चोटी कर लेती थी क्योंकि बाल वैसे रहते थे, आज सूखने की वजह से कि साथ साथ बाल सूख भी जाएंगे तो बहुत गर्मी लग रही है, मतलब कि पसीना बाल लेक हो रहे हैं। और यहाँ पर मंदिर पूरा साफ हो चुका है और कपड़ा भी धुला हुआ बिछ गया है। यहाँ पर मैं भगवान जी बस रह गए हैं साफ़ करने के लिए, ये हो जाएं, इसके बाद बर्तन साफ़ करने हैं तो इनको मैं जल्दी से पोंछ के रख दे रही हूँ। हल्का गीला किया है कपड़ा की ज़्यादा वैसे। और यहाँ पर मैंने मंदिर की झालर भी निकाल ली है और वो भी गंदी गंदी सी हो रही थी तो मैंने केस को भी धुल देती हूँ। मौसी बोल रही थी कि कुछ दिन पहले ही धुली है लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसे और अच्छे से धुल डाला। और यहाँ पर मैं अब किचन में आ गई हूँ। मैं ना फल काटे दे रही हूँ, पपीता, जिससे नानी भी ले लेंगी, मौसी भी ले लेंगी, मैं भी ले लूँगी क्योंकि ऐसे काम मंदिर अंदर साफ करो बर्तन वर्तन धुलने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अभी खाना नाश्ता हो चुका है और यहाँ पर मैं फल भी काटे ले रही हूँ, इसके बाद खा के फल फिर काम शुरू करूँगी अपना। काम तो लगभग हो ही गया, बस अब रह गए हमारे गणपति बब्बा जी, इनको आज स्नान कराना है अच्छे से। वैसे स्नान तो डेली ही करते हैं लेकिन आज ये परात में बैठ के विधि विधान से स्नान करेंगे। देखिए हम जा रहे हैं इनको स्नान कराने, एकदम चमका देंगे आज भगवान जी को। भगवान जी तो साफ़ हो गए, अब आ गया बर्तनों का नंबर। और पता है जितनी सफाई और भगवान जी साफ़ करने में पूरा टाइम लगा था ना, उतना इन बर्तनों को साफ़ करने में टाइम लग जाएगा क्योंकि ये पीतल के इनमें दाग पड़ जाते हैं ना तो जल्दी छूटते नहीं हैं, बहुत देर तक रगड़ना पड़ता है। जबकि मैंने नींबू भी लिया है, मिट्टी भी लिया, उसमें सर्फ भी मिलाया हुआ है कि जल्दी से दाग निकल जाए, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पूरा पूरा आधा घंटा लग गया था मुझे इन्हें साफ़ करते, लेकिन चमक आए हैं एकदम। ये देखिए कितने एकदम नए जैसे बर्तन निकल आते हैं, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन बर्तन अच्छे चमक आते हैं, पीतल के और जो तांबे के लोटे होते हैं ना पूजा वाले वो।
नींबू लगाने के बाद अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, वैसे और ज़्यादा मिनरल। अब हो गया है खाना का टाइम, 12:30 बज चुके हैं। मासी जा रही हैं किचन में खाना बनाने और नानी यहाँ पर सब्ज़ी काट रहे हैं। और मैं 11 बजे तो नहा के ही आई थी, आप लोगों ने टाइम देखा होगा घड़ी में, जब मंदिर साफ कर रही थी तब 12 बज चुके थे मंदिर साफ करते करते। छत पे ये गमले खोदने के लिए ऊपर से लेके आए थे, वहां गमले में रखा था तो ये रखाऊंगी। और मासी ने ये दरी धुली हुई थी तो ऊपर जाके फैलाया ही, क्योंकि बालकनी में अब जगह नहीं है पेड़ों की वजह से, तो जा रही हूँ छत में ही डाल के आती हूँ। आप जा रही हूँ नीचे, दरी डाल दी है, मैं उसी ने बोला था काफ़ी देर पहले, बोला था ध्यान भूल गई थी, अब आई हूँ। अब जा रही हूँ तो अभी जाके ना पहले तो बालों में ऑयल डालना है, कंघी करनी है, इसके बाद जा रही हूँ कपड़े चेंज कर लूँ और फिर आज डेकोरेशन का काम करना है तो वो होगा। दे रहे सब कुछ है जो पूरी है, ये रखेगा ये रुई बत्ती, हाँ ये पूरा पूरा सामान, वाह रंगोली कलर, हाँ रंगोली कलर, ये बल्ब का के लिए है, दीपक लगाने के लिए होगा। अच्छा अच्छा रंगोली के बीच में उतनी चीजें निकाला भी जैसे पता नहीं है, यहाँ से इस कमरे में आएगा भी नहीं लेने से। क्या क्या निकालना है यहाँ से? दीपक निकाला है धोने वाले, ये जो उसके पटाखे वटाखे हैं, फूल उल रखे। हेलो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, हाँ वैसे भी पूजा वूजा तो मौसा ही करेंगे। पहन ले रही हूँ, पहन लो। वैसे ये साड़ी अच्छी लगती है मुझे, ये साड़ी अच्छी लगती है मुझे, अच्छी लगती है, हाँ हैवी भारी नहीं है, बिल्कुल लाइट है, हाँ लाइट है, लेकिन कपड़ा उसका ऐसा दिखता है कि हैवी है। और आज ना मैंने कान्हा जी एक बार फिर से अच्छे से पोंछ डाले हैं, मतलब कि पूजा की टाइम शाम को ही होने जा रही है, मैंने कि इनको भी पोंछ दे रहे हैं। पानी आनी तो इनमें वैसे नहीं किया जाता है, लेकिन सूखे कपड़े से मैंने एक बार इन दोनों जितनी मूर्ति रखी हुई थी उनको दोनों को क्लीन कर दिया अच्छे से कपड़े से, वैसे 2 दिन पहले मस्त। और अब मैं जा रही हूँ रंगोली के कलर निकालने, तो इन प्लेट में निकालूंगी ये जो रखी हुई है ना प्लास्टिक वाली प्लेट और पत्तल, इसी में निकालूंगी कलर ताकि वो बर्तन गंदे नहीं होंगे। मैं आ गई हूँ अब कपड़े चेंज करके और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए बाय और अगला वीडियो अपलोड।